अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाश्ता करने के फौरन बाद जी मैं निकल आई थी शॉपिंग करने के लिए। मंडे को मैंने ऑफिस के अंदर ऑरेंज पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई है, उसके लिए मैंने बहुत खूबसूरत लुक अपने लिए सोची हुई थी कि इस तरीके का मैंने ड्रेस लेना है और साथ मैंने खुद से लेना है, क्योंकि जिस तरीके की लुक मैंने दिमाग में बनाई हुई है उसके साथ खुद से बहुत खूबसूरत लगते हैं। वैसे तो हमारे घर के करीब भी है एक मॉल सेंट टॉरस, लेकिन वो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद। वो बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत कंजस्टेड होता है और वहाँ पे पार्किंग की भी कोई जगह नहीं होती। तो ये गीगा मॉल जो है हमारे घर से काफ़ी दूर है, लेकिन बंदा सुकून से ना यहाँ पे शॉपिंग कर लेता है। आते के साथ जरार और आबिर को लग गई थी भूख, उन्होंने कहा कि भाई आपने तो ना हर दुकान घूमनी है, तो उससे पहले हम लोग तो खाना खाएंगे, खाली पेट हम तो पूरा मॉल नहीं घूम सकते। मतलब यार लड़कियों का तो ऐसा ही होता है ना कि उन्होंने एक चीज़ लेनी होती है लेकिन हर दुकान घूमती है, और घूमनी भी चाहिए। बंदा हज़ारों के कपड़े लेता है तो ज़रा अपनी तसल्ली तो पूरी अच्छे तरीके से करे। यहाँ पर इन लोगों का खाना आ चुका था, मैंने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। मैंने कहा यार मेरे जहन में इस टाइम में सिर्फ मेरा ड्रेस फंसा हुआ था, क्योंकि मैं नॉर्मली जो है स्टिच कपड़े अनस्टिच कपड़े लेती हूँ, और इस दफ़ा मेरे पास टाइम ना होने की वजह से मुझे स्टिच ड्रेस लेना था। तो मैंने कहा यार मिलता भी है या नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे बहुत खूबसूरत ड्रेस मिला है। ये वाला ड्रेस मैंने पहले उठाया था, लेकिन ये ना थोड़े माइनर और मेहंदी वाला लुक दे रहा था, और ये वाला भी, तो ये दोनों मैंने नहीं लिए। मैंने ड्रेस लिया था सना सफीनाज से, वाइट कलर का था, उसके अंदर ऑरेंज कलर का कंट्रास्ट हुआ है, वो मैं आप लोगों को कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। उसके साथ मुझे ये वाले खुद से पसंद आए थे, और यहाँ पर मेरा माइंड रिलैक्स हो गया था कि अब मेरे कपड़े आ गए और बहुत खूबसूरत जोड़ा था, वैसा ही था जैसे मैंने लुक सोची हुई थी। उसके बाद जी निकलने से पहले यहाँ पर जरार ने कहा कि मैंने OPTP के फ्राइज़ खाने हैं, सदीगा मॉल आए हैं पॉपनॉश के, पॉपकॉर्न हम घर ना लेके जाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलें जी आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। कल वाला ब्लॉग बहुत मज़े का आने वाला है, मैंने बहुत कुछ करके इवेंट के लिए प्लान किया हुआ है, तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़।